नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हमारे यहाँ आज छठ पूजा अब पोखरा के निकट में थोड़ा लंबा दूर में गड्ढा खोद करके किया जाता है छठ पूजा, जिसे बिहार में महापर्व के रूप इसमें में सूर्य सूर्य बनाया जाता भगवान है। जी को अर्घ दिया जाता है, अर्घ जिसे शुभम और शुभम में दिया जाता है। तो पिछले वर्ष पोखरा में किया गया था, तालाब में, जो अभी इस प्रकार से है, जिसमें आधे लगभग पानी भरा हुआ है तथा इसकी हरियाली बेहद ही आकर्षक खूबसूरत दिखाई पड़ता है। सामने पानी टंकी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। तो पिछले वर्ष इसे साफ किया गया था, पानी को निकाला गया था, जिसमें दो बोरिंग पानी निकालने वाला लगभग 12 से 14 घंटा चलता रहता था। पूरे दिन रात में जितने खींचता था तो 2 घंटे में क्या फिर रसोई उससे पानी ज्यादा भरा? आता था। यह लगभग 1 सप्ताह तक के पानी खींचा और फिर जब अंदर जाकर के देखा तो पता चला कि अंदर जाकर देखा तो पता चला कि यह पानी फिर जैसे कुएं में पानी आता है उसी प्रकार से भूमि के अंदर से आता जाता था। तो फिर उसे छोड़ दिया गया तथा उसी के निकट जो एक ग्राउंड की तरह जगह है, तो वहाँ पर हम लोग का छठ पूजा हुआ था। तो इस बार भी वहीं पर होगा, जो अभी साफ सफाई नहीं किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी छठ पूजा था तो मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगले दिन या इस वीडियो के अपलोड होने के जस्ट थोड़ी देर बाद। तो और इस बार का ब्लॉग सुनने के समय या फिर कल होकर के आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो फिर बने रहिए।